Hello, I am Dr. Garima Sharma. I am IVF Consultant in Charge, Gunjan World IVF Center, Janakpuri Branch, New Delhi. आज हम बात करेंगे low AMH होता क्या है and इसका how should we approach. Low AMH एक blood test होता है. It is, आप इसको full form माने तो it is anti-mullerian hormone. तो ये anti-mullerian hormone tells about your ovarian reserve. That means कि आपकी एग कितने एग हैं और आपका एग रिस्पॉन्स क्या होगा. तो ये एक टेस्ट है जो चेक करता है आपका ओवेरियन रिजर्व, दैट इज फंक्शनल ओवेरियन रिजर्व, कि आपके पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग एन एग कितना है. ये आपको ये नहीं डिफाइन करता कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते. ये बस ये बताता है कि आपकी कैपेसिटी फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स कैसी है. लेडी कई औरतें होती हैं जिनका ये AMH होती है वो कम वैल्यू आती है. कम वैल्यू क्या बोलते हैं, नॉर्मल AMH ओवेरियन रिजर्व होता है 1.5 to 3.5. अगर ये इसके बीच में आ रहा है तो हम इसको कहते हैं नॉर्मल ओवेरियन रिजर्व. दैट मींस कि आपकी नंबर ऑफ एग्स और एग फॉर्मेशन की कैपेसिटी इज नॉर्मल. बट अगर आपका AMH दैट इज ओवेरियन रिजर्व इज लेस, the value is less than 1.5 nanogram per ml, then we call it as low ovarian reserve. इससे ये मतलब नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, इसका मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी में होने में प्रॉब्लम हो सकती है. हो सकता है आप अच्छे से जल्दी कंसीव ना कर पाए. अब इसके कारण क्या है कि क्यों आपका ओवेरियन रिजर्व लो है. मोस्ट कॉमन कॉज है कि आपकी उम्र, एज. एज द एज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ योर एग्स इन द ओवरी डिक्रीजेस. ये स्पेसिफिकली आफ्टर 35 और इट फॉल्स डाउन वेरी शार्पली. तो आफ्टर 35 ऑफ योर एज द AMH एज वेल एज योर दैट इज योर ओवेरियन रिजर्व डिक्रीजेस. योर कैपेसिटी ऑफ योर ओवरी टू फॉर्म एग्स डिक्रीजेस. जब आप एक बच्चा बॉर्न होता है लड़की, तो शी हैज लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स एंड एज द एज इंक्रीजेस वो नंबर एग्जॉस्ट होते जाते हैं. इसीलिए 35 के बाद आपका एग रिजर्व AMH वैल्यू कम हो जाती है. कई होते हैं जिनका इवन यंग एज में ओवेरियन रिजर्व कम होता है. इसका कारण होता है कई जेनेटिक प्रॉब्लम्स, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स जिसके कारण हो सकता है ये. कई हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जिसके कारण ये हो सकता है. और कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं जैसे गैलेक्टोसीमिया, इसमें भी ये आपकी AMH कम हो जाता है. या फिर आपको कभी कीमोथेरेपी मतलब आपको कोई कैंसर की मेडिसिन चली हो, या रेडियोथेरेपी या रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो कैंसर मेडिसिन का, उसके कारण भी आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो सकता है. या फिर कभी आपकी कोई ओवरी में सर्जरी हुई है जिसके कारण आपकी ओवरी निकाल दी गई, या फिर आपका आधी ओवरी निकल गई कोई सिस्ट के कारण, तो उसमें भी आपका ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है. सो दीज आर द बेसिक रीजंस व्हाई योर ओवेरियन रिजर्व इज लेस, दैट इज योर AMH इज लेस. हाउ दिस टेस्ट इज बीन डन, दिस इज जस्ट अ ब्लड टेस्ट. इट कैन बी डन इन एनी डे ऑफ योर साइकिल, पीरियड के कोई भी दिन होता है. एंड इट चेक्स योर AMH लेवल. ये साइकिल टू साइकिल वेरी भी नहीं करता. आप सोचे कि इस महीने अच्छा आएगा, नेक्स्ट महीने अच्छा नहीं आएगा, तो इट रिमेन्स सेम थ्रू आउट ऑल ऑफ योर डिफरेंट साइकिल्स. विद टाइम इट मे चेंज एंड डिफरेंट लैब्स ऑल्सो हैव डिफरेंट वैल्यूज, सो इट मे चेंज, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डे ऑफ योर साइकिल. सो इन केस आपका AMH लो आता है तो आपको क्या करना चाहिए, वॉट शुड बी योर अप्रोच. So basically, अगर आप AMH करा रहे हैं, that means you're trying for a baby and you're not able to conceive. So you should be visiting a fertility specialist. आप proper एक fertility specialist के पास जाएं. कई बार you go to a normal gynec or obstetrician, which may take some time to understand everything. उस time में और आपका time waste हो गया, तो आपका और ovarian reserve कम हो जाएगा. And finally, maybe you will lose the chance of getting your biologically normal child. So you should approach a fertility specialist. And what are the options available? There are certain medicines which help in increasing the quality of the eggs. Jaise DHEA ho gaya, aapka khane peene mein, if you are a smoker or if you are drink or you have some, you take all these things, then you are being advised to stop these. This also helps in increasing your quality.
increasing your vitamins and supplementation helps in increasing the quality. दो क्वांटिटी वुड नॉट चेंज क्योंकि वो आपका प्रॉपर एक फिक्स्ड है, बट द क्वालिटी ऑफ योर एग्स में इम्प्रूव. सो दिस बाय टेकिंग दीज फॉर 2-3 months यू मे कंसीव नेचुरली ऑल्सो, बट इफ यू आर इवन आफ्टर टेकिंग इट एंड द टाइम इज इंक्रीजिंग एंड योर एज इज इंक्रीजिंग, देन वी आर लेफ्ट विद द ऑप्शन ऑफ IVF विच इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. In this, we give you hormone injections to form your eggs, and then we extract your eggs and form an embryo. Then we transfer this embryo inside you. Now, why this is helpful is because we are here, we taking out the eggs and forming the embryo outside. So we know ki aapka quality kaisa hoga, and we form a good embryo, and which is the best embryo that we transfer. So transferring a good quality embryo increases the chances of pregnancy. And in case as and if we leave you to try naturally, so your time will pass on and you might lose this image value will fall more, and finally your number of eggs may totally get exhausted. That's why at such low AMH and your age is increasing, then we advise you to go for IVF. In case your AMH is very low and there is no possibility of extracting your egg, then we may require you to take egg from bank, that is a donor egg. So in this donor egg, the egg is taken from an unknown person and it is fertilized with your husband's sperm, and the embryo that is being formed is transplanted inside you. So it could be carrying your husband's genetic material and you will be bearing the child. So this could be in case your AMH is so low and you are not able to extract any of your egg. So for in such, there are other options also available to increase your AMH and so that you could extract your eggs. In these could be an ovarian rejuvenation procedure. In this, we take PRP, that is platelet-rich plasma, or stem cell, and inject into your ovary so that the egg production starts. So this is still experimental procedure, but still there are reports available which has seen that the number of eggs may start producing, and we are able to extract your eggs and form an embryo of your own genetic material. So in case, so these are the basic treatments that are available for patients with low ovarian reserve, that is low AMH. So one is that we give you certain medicines to increase the quality of your egg. Second, we can go for in vitro fertilization. And apart from in vitro fertilization, we can club it with ovarian rejuvenation procedure, that is with PRP or stem cell installation into your ovary so that we can produce your eggs. And finally, if you are not left with any other option available and we have exhausted everything, then we can move on to a donor egg in which we take the egg from the bank and form an embryo from your husband's sperm and fertilize it and then plant it into your uterus. So if you have a low ovarian reserve, that is low AMH, you should not worry. You should approach a fertility doctor, a proper consultant, and you should discuss your options and available, and then finally make a plan, and these plans will help you in conceiving, and finally you will be able to have a child of your own.